नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरों को। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार को लिया आड़े हाथ। बीते कई दिनों से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर टिप्पणी करती नजर आ रही है। इसी क्रम में बीते दिन राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन एक नया कैंपेन की शुरुआत कर दी है, जिस पर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत के खिलाफ बोलने की अपील की गई है। जिसके तहत राहुल गांधी ने अपना एक वीडियो ट्वीट किया है, जो कि स्पीकअप अगेंस्ट फ्यूल के नाम से शुरू किया गया है, जिसमें राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोविड-19 के माहौल में और चीन के साथ बिगड़ते हालात के बीच सरकार ने आम आदमी को अपने हालात पर छोड़ दिया है। लोगों के पास रोजगार नहीं और केंद्र सरकार 21 दिनों से हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है। आज से शुरू हुई तत्काल टिकट बुकिंग की सेवा। कोविड-19 के बढ़ते माहौल के बीच बीते काफी लंबे समय से तत्काल टिकट बुकिंग की सेवा को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, जिसके बाद अब आज से एक बार फिर से तत्काल टिकट बुकिंग सेवा की शुरुआत कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार रेलवे द्वारा की जा रही यात्री ट्रेनों और एसी स्पेशल में तत्काल टिकट बुकिंग की सेवा आज से शुरू हो गई है। सेंट्रल रेलवे के PRO ने इस बात की पुष्टि की है कि 30 जून और इसके आगे की तारीख के लिए चलने वाली ट्रेनों में यह सुविधा शुरू हो जाएगी। स्पेशल ट्रेन और जिन ट्रेन का नंबर 0 से शुरू होता है, उसमें बुकिंग की जा सकेगी सुबह 10 बजे से AC क्लास और सुबह 11 बजे से स्लीपर क्लास के लिए तत्काल टिकट की बुकिंग शुरू हो जाएगी। पर ध्यान रहे कि 12 अगस्त तक सभी सामान्य रेल सेवाओं को बंद कर दिया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने भारत द्वारा साजिश रचने की कही बात। भारत और नेपाल के बीच रिश्ते पूर्ण होते जा रहे हैं, जिसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली पर विपक्षी दलों द्वारा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि एक तरफ KP शर्मा ओली भारत में सीमा को लेकर के बहसबाजी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन उनकी सीमा के अंदर घुसता चला जा रहा है, जिसके लिए अब KP शर्मा ओली ने बातों ही बातों में कुर्सी बचाए रखने के लिए राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति शुरू कर दी है। जिसके तहत उन्होंने बीते दिन अपने संबोधन में साफ तौर पर इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की तरफ निशाना साधते हुए कहा है कि एक दूतावास उनके खिलाफ होटल में बैठ करके लगातार साजिश कर रहा है। भले ही उन्हें पद से हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह काम असंभव है। Amazon इंडिया दे रहा है 20,000 लोगों को नौकरी। Amazon इंडिया ने 20,000 लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी है, जिसके तहत Amazon इंडिया ने इस बात का ऐलान किया है कि वह दुनिया भर में अपने उपभोक्ताओं को शॉपिंग का शानदार अनुभव देने के लिए 20,000 लोगों को नौकरी देने जा रही है। ज्यादातर नौकरियां Amazon के वर्चुअल कस्टमर सर्विस प्रोग्राम का हिस्सा होंगी, जो कि वर्क फ्रॉम होम के लिए विकल्प पेश करता है। कंपनी ने साफ तौर पर कहा है कि यह हायरिंग अस्थायी तौर पर की जाएगी। अगले 3 महीने में ग्राहकों की संख्या बढ़ने का अनुमान भी लगाया जा रहा है, इसलिए Amazon ने भारी संख्या में लोगों की हायरिंग करना शुरू कर दिया है। 10वीं और 12वीं के नतीजे आ जाएंगे 15 जुलाई तक। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने साफ तौर पर कह दिया है कि 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं का आयोजन नहीं करवाया जाएगा। इतना ही नहीं, जिन परीक्षाओं का आयोजन नहीं करवाया गया है, उन्हें मार्किंग सिस्टम के अनुसार अंक दिए जाएंगे। बोर्ड द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार छात्र पेपर के लिए इंटरनल असेसमेंट या प्री बोर्ड के आधार पर अंक लेने का निर्णय ले सकते हैं और 15 जुलाई 2020 तक CBSE बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे की घोषणा भी कर सकता है। इस बात के साफ संकेत दे दिए गए हैं। हालांकि CBSE ने यह भी साफ कर दिया है कि 12वीं के जो छात्र इंटरनल असेसमेंट के मार्क से संतुष्ट नहीं है, वो बाद में आयोजित होने वाले परीक्षा में शामिल होकर अपने मार्क सुधार सकते हैं। मुंबई पुणे में बढ़ती जनसंख्या पर शिवसेना ने सरकार से पूछे सवाल। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में मुंबई पुणे शहर में बढ़ रही आबादी को लेकर मोदी सरकार पर एक बार फिर से टिप्पणी की है, जिसके तहत शिवसेना ने एक बार फिर से सरकार पर प्रांतीय और यूपी बिहार से आए लोगों को मुंबई पुणे में भारी मात्रा में जनसंख्या बढ़ाने का जिम्मेदार ठहराया है। संपादकीय में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के उस बयान का हवाला भी दिया गया, जिसमें गडकरी ने मुंबई पुणे में लोगों की बढ़ती संख्या कम करने के लिए इनके बाहर दूसरे स्मार्ट सिटी को बसाने की बात कही थी। जिसके तहत संपादकीय में शिवसेना ने मोदी सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि 2015 में मुंबई पुणे जैसे स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा हुई थी, वह स्मार्ट सिटी कहां है? 15% भी काम नहीं हुआ है। असम के 23 जिलों आए बाढ़ की चपेट में। मॉनसून के सीजन में अक्सर बाढ़ आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसी क्रम में असम के 23 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं। वहीं देश के कई हिस्से में रविवार को दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून के कारण लगातार बारिश देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर में बिजली गिरने से कई लोगों की जान भी चली गई है। सिर्फ असम ही नहीं बल्कि बिहार में भी बारिश की संभावना जता दी गई है। अगले 24 घंटे में भारी बारिश के कई जिलों में बाढ़ आने के संकेत भी दे दिए हैं और साथ ही मौसम विभाग के अनुसार भारी बारिश के साथ बर्फ गिरने और तेज हवाओं के चलने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग के माने तो बिहार में अभी तक सामान्य से 92% ज्यादा बारिश हुई है, जिसके कारण यहां कई नदियां उफान पर है। बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव के आवास में भी बारिश का पानी घुस चुका है।
रणदीप सुरजवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की टिप्पणी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजवाला ने बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई मन की बात पर टिप्पणी की है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 33 मिनट लंबे मन की बात में उन्होंने एक बार भी चीन का नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री चीन से घबरा क्यों रहे? सुरजवाला ने आगे यह भी कहा कि यह समय है कि भारत अपने रणनीतिक कैलकुलस को फिर से व्यवस्थित करे। अगर वह किसी बात से घबरा रहे तो उसे त्यागने की जरूरत है। बोर्ड ऑफ टेक्निकल बनी है और चीनी सैनिकों को निर्णायक से बेदखल करने के लिए एक रणनीतिक प्रतिक्रिया को अपनाइए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान कहा था कि जिन्होंने लद्दाख में भारत की भूमि को बुरी नजर से देखा है उनको मुंहतोड़ जवाब मिला है, जिस पर ही कांग्रेस नेता ने यह टिप्पणी की है। iOS 14 ने टिकटॉक की पकड़ी छोड़ी। iOS 14 ने हाल ही में अपना आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि टिकटॉक जैसे कई ऐप यूजर की निजी जानकारी को सार्वजनिक कर रहे हैं। चाइनीज शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक यूजर के क्लिपबोर्ड को लगातार एक्सेस कर रही है। इससे यूजर की चिंता बढ़ गई है कि टिकटॉक बिना परमिशन भी यूजर की पर्सनल डेटा को कॉपी कर रहा है। हालांकि इस बात के बाद एक स्टेटमेंट द टेलीग्राफ को दिया गया है, जिसके मुताबिक कंपनी का कहना है कि आप क्लिपबोर्ड से किसी भी तरह का डेटा को कलेक्ट नहीं कर रही है। यह समस्या रिपीटेटिव और स्पैम बिहेवियर का पता लगाने से जुड़े फीचर की वजह से ट्रिगर हो रही है। कंपनी ने यह भी कहा है कि उसने अपडेटेड वर्जन को पहले से ही ऐप स्टोर पर सबमिट कर दिया है और उसमें से एंट्री स्पैम फीचर को हटाया जा रहा है। नेपोटिज्म के मुद्दे पर मीका सिंह आए सभी स्टार के बचाव में। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद बॉलीवुड के गलियारे में नेपोटिज्म का मामला लगातार सुनने में आ रहा है। नेपोटिज्म पर लगातार बहसबाजी की जा रही है, जिसकी वजह से करण जौहर, सलमान खान, एकता कपूर तमाम कई सेलिब्रिटीज लगातार दर्शकों के निशाने पर आ रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह इन सभी स्टार के बचाव में आए हैं, जिसके तहत एक इंटरव्यू के जरिए उन्होंने कहा है कि एकता कपूर, सलमान खान, करण जौहर से लेकर संजय लीला भंसाली और भूषण कुमार के खिलाफ जितने भी बयानबाजी की जा रही है वो सही नहीं है। सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान ने अपनी जगह बनाई है, जो नेपोटिज्म से जोड़ना सही नहीं है। करण जौहर के बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा कि ये अच्छा नहीं है, मैंने उन पर कई बार गलत टिप्पणी की है, बावजूद इसके उन्होंने मुझे अपने फिल्म में गाने का मौका दिया था। कोविड-19 की जांच के लिए घरेलू टेस्टिंग किट एक महीने में बनकर हो जाएगी तैयार। कोविड-19 के इस माहौल में भारत काफी हद तक आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में अब भारत में कोविड-19 की जांच के लिए घरेलू टेस्टिंग किट को बनाने का काम पूरा कर लिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल अगले एक महीने में शुरू हो जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और पुणे के नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ने कोविड-19 की वैकल्पिक जांच किट तैयार करने के आखिरी चरण में है। इसकी मदद से लोग अब आसानी से अपने घर पर ही जांच कर पाएंगे। इस किट के बेहद ही सरल, अपेक्षाकृत सस्ती और सटीक होने का दावा भी किया गया है और इसे वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद की निगरानी में NCL को माइक्रोसॉफ्ट इंडिया से वित्तीय सहायता मिलने के बाद बनाया गया है। इस घरेलू टेस्टिंग किट को एलिसा नाम दिया गया है। टिड्डी दल ने भारत की बढ़ाई परेशानी। भारत में टिड्डी दल ने सभी किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। मॉनसून में इसकी वृद्धि को और ज्यादा बढ़ता देख किसान और प्रशासनिक अधिकारी भी इस बारे में परेशान नजर आ रहे हैं। मिली जानकारी अनुसार जल्द ही मौसम की बारिश और तेज हवाओं के साथ टिड्डियों की संख्या भी बढ़ सकती है। अधिकारियों के माने तो टिड्डियों ने बीकानेर में अंडे देने का काम शुरू कर दिया है। ऐसी स्थिति में नियंत्रण न किए जाने पर टिड्डियों की संख्या में काफी वृद्धि हो सकती है। इतना ही नहीं, खाद्य और कृषि संगठन ने भी इसकी बढ़ती संख्या को देखते हुए परेशानी जाहिर की है, जिसके तहत पश्चिम जयपुर, राजस्थान में इनके समूह की वजह से परेशानी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसके तहत विभाग ने साफ तौर पर बारिश का असर बढ़ने से पहले इससे निजात पाने के उपाय को ढूंढने की नसीहत दी है। भारत चीन के बीच समझौते के बावजूद चीन कर रहा है LSE पर निर्माण। भारत चीन के बीच तनाव की परिस्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। भारत द्वारा समझौता किए जाने के बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और यही कारण है कि चीन लगातार LSE पर निर्माण कार्य को करवाया जा रहा है। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार चीनी द्वारा गलवान घाटी में लगे हुए इलाकों में निर्माण कार्य को तेजी से करवाया जा रहा है, जिसका खुलासा सैटेलाइट कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजी की तरफ से जारी किए गए तस्वीर के बाद हुआ है। यह तस्वीर 23 जून को जारी किया गया था। तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि चीन बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य करवा रहा है। छिंदवाड़ा सीमा पर निर्माण कार्य भारतीय इलाकों में किया जा रहा है, जिस पर चीन अपना दावा बताता है। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर उठाया सवाल। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर बीते दिन ट्विटर पर सवाल उठाया है, जिसके तहत उन्होंने पूछा है कि क्या ट्विटर भारत के किसी शक्तिशाली व्यक्ति के निर्देशों पर काम कर रहा है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन का एक हानि रहित सूचनात्मक वीडियो ट्विटर पर क्यों स्वीकार नहीं किया जा रहा है। हालांकि उसके अगले दिन ही फेसबुक पर शेयर किए गए इस वीडियो का लिंक ट्विटर पर स्वीकार हो गया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ट्विटर में इस मुद्दे पर हमें स्पष्टीकरण चाहिए कि क्या वो हमें जवाब देंगे, चलो देखते हैं, वरना मुझे दूसरे विकल्प तलाशने पड़ सकते हैं। यह एक वीडियो है जिसमें मैंने कल ट्वीट करने की कोशिश की थी, जिसे ट्विटर द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है, तो मैंने इसे अपने फेसबुक पर पोस्ट किया है, अब कॉपी किया है, इसे स्वीकार कर लिया गया है। बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट का असर दिखने लगा है कई ऐप्स पर। भारत चीन के बीच बढ़े तनाव के बाद चाइनीज सामानों के इस्तेमाल को लेकर के भारतीय नागरिकों में बहुत ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही थी और यही कारण है कि अब इसके ऐप्स के इस्तेमाल पर इसका साफ साफ असर दिखने लगा है, जिसके परिणाम स्वरूप कई भारतीयों ने अपने स्मार्टफोन से
कई चाइनीज ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दिया है। एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट के अनुसार सेंसर टावर के आंकड़ों का हवाला देते हुए यह दावा किया गया है कि तमाम लोकप्रिय चाइनीज ऐप के डाउनलोड में गिरावट देखने को मिली है। इन ऐप्स में टिकटॉक, बीगो, लाइव, पबजी, लाइक की हेलो ऐप शामिल है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार चाइना निर्मित उत्पादों को बॉयकॉट करना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।